आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे महर्षि श्री अरविंद जी की साधना पद्धति और इतने फेमस क्यों हैं। महर्षि श्री अरविंद जी के बारे में आप जानते ही होंगे, उनकी पुण्यतिथि 5 दिसंबर होता है कभी भी और ये पूरे विश्व भर में मनाया जाता है और दर्शन शास्त्र पर उनका हमेशा से बहुत गहरा प्रभाव रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी जो हैं वो सब देशों में, वे कवि भी थे और गुरु भी थे और क्रांति के साथ शांति के प्रवर्तक भी थे जो हमारे अरविंद जी थे। एक सार्थक प्रश्न है कि क्या इंसान सामर्थ्यवान ही जन्म लेता है या उसे समाज और परिस्थितियां गढ़ती है। मनुष्य जीवन की उपलब्धि है चेतना, अपने अस्तित्व की पहचान, इसी आधार पर वस्तु परकता से जीवन में आनंद है। यह बात छोटी सी उम्र में महर्षि अरविंद जी ने समझ ली थी। उनके व्यक्तित्व विरोधी युगलों से गुथा हुआ व्यक्तित्व है। उनकी जीवन गाथा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय चेतना, दर्शन और अध्यात्म का एक अभिनव उन्मेष है। इतना लंबा व्यापक संघर्ष, इतना जन जागरण का प्रयत्न, इतना पुरुषार्थ, इतना आध्यात्मिक विकास, इतना साहित्य सृजन, इतने व्यक्तियों का निर्माण, वस्तुतः ये सब अद्भुत है। उन्हें हम क्रांति के साथ शांति के प्रवर्तक भी कह सकते हैं। उनकी जीवन गाथा आश्चर्यों के वर्णमाला से आलोकित एक महालेख है। उसे पढ़कर मनुष्य एक उच्छ्वास, नई प्रेरणा, राष्ट्रीयता और कई प्रकाश शक्ति का अनुभव करता है। महर्षि श्री अरविंद एक बहुमुखी प्रतिभा के धनी, महान स्वतंत्रता सेनानी, कवि, प्रकांड विद्वान, योगी और महान दार्शनिक थे। उन्होंने अपना जीवन भारत को आजादी दिलाने, नए मानव का निर्माण और पृथ्वी पर जीवन के विकास की दिशा में समर्पित कर दिया। उनका जन्म हुआ था 15 अगस्त 1872 में, कलकत्ता में हुआ था उनका जन्म। उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष ने उच्च शिक्षा दिलाकर उच्च सरकारी पद दिलाना चाहते थे। मात्र 7 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया। उन्होंने केवल 18 वर्ष की आयु में ICS की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी, जर्मन, फ्रेंच, ग्रीक और इटालियन भाषाओं में निपुणता प्राप्त की थी। इन्होंने पौंडीचेरी में एक आश्रम स्थापित किया है। वेद, उपनिषद आदि ग्रंथों पर टीका लिखी है, योग साधना पर मौलिक ग्रंथ लिखे हैं। उनका पूरे विश्व में दर्शन शास्त्र पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा है और रहा है और उनकी साधना पद्धति के अनुयायी सब देशों में, इसीलिए कहते हैं कि वे कवि भी थे और गुरु भी थे। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।